guys, welcome to Only Vocabulary. So guys, आज हम ये 7 words discuss करने वाले द हिंदू न्यूज पेपर के एंड जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है. सो लेट गेट स्टार्टेड. फर्स्ट वर्ड हमारा है वैग्रेंट. वैग्रेंट मीन्स समवन हु इज होमलेस, समवन हु इज होमलेस, पुअर एंड मे वेंडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. मतलब एक ऐसा पर्सन जिसका कोई घर बार ना हो, जिसका कोई ठिकाना ना हो, जिसका कोई नौकरी ना हो या कोई फैमिली ना हो और वो पर्सन बस यहाँ वहाँ घूमता फिरता रहता हो तो उसे आप कहोगे वैग्रेंट. जैसे स्पीक में देख लो, ये जो बंदा है इसकी कोई नौकरी नहीं है, कोई फैमिली नहीं है और ये पर्सन बस यहाँ वहाँ घूमता फिरता रहता है, मतलब जहाँ मन किया वहाँ यहाँ घूमता फिरता रहेगा, तो इसे आप कहोगे वैग्रेंट. सो वैग्रेंट मीन्स ए पर्सन हु हैज नो स्टडी जॉब एंड वेंडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. वेंडर्स का मतलब ये होता है कि जो यहाँ वहाँ भटकता रहता है, घूमता रहता है, तो उसे आप कहेंगे वेंडर्स. एंड इसे हिंदी में कहेंगे घुमक्कड़, घुमक्कड़ या आवारा. एंड वैग्रेंट को याद रखने के लिए आप इसको कन्वर्ट माइग्रेंट से. देखो अगर भी एक जगह एम आई कर दें तो ये हो जाएगा ना माइग्रेंट. एंड माइग्रेंट का मतलब तो पता ही है, मतलब जो यहाँ से वहाँ अपना प्लेस चेंज करता है. जैसे होता है ना कोई बर्ड होता है अपने प्लेस चेंज करता है क्लाइमेट के कारण, तो यहाँ से वहाँ जो प्लेस चेंज करता है वो होता है माइग्रेंट. एंड उसी तरह कोई अपना पर्सन प्लेस चेंज कर कर यहाँ से वहाँ घूमता फिरता रहता है तो वो होगा वैग्रेंट. तो माइग्रेंट वैग्रेंट थोड़ा मतलब इस सिंगल का मतलब दोनों जो प्लेस चेंज करें, घूम ही ना रहे उसी टाइप से. फॉर एग्जाम्पल वैग्रेंट बेगर्स, मतलब जो बेगर्स यहाँ वहाँ घूमते फिरते रहते हैं वो हो गया वैग्रेंट बेगर्स. नेक्स्ट इज ए पार्ट ऑफ द सिटी दैट अट्रैक्ट मेनी वैग्रेंट्स. मतलब कोई सिटी का पार्ट है, मतलब जैसे होता है ना कोई मंदिर मस्जिद है तो वो वैग्रेंट बेगर्स को मतलब अट्रैक्ट करते हैं. होता है ना आपने देखा होगा मंदिर मस्जिद में जो भीख मांगते हैं, तो उस टाइप से. एंड इसके रिलेटेड वर्ड्स है वैग्रेंटली, जब इसे एज एडवर्ब यूज करते हो होगा वैग्रेंटली. एंड जब इस एंड वैग्रेंट के सिनोनिम्स होंगे इटिनरेंट, वैंडरर, फ्लॉटर, नॉमेड. एंड वैग्रेंट के एंटोनिम्स होंगे इमोबाइल, स्टैटिक. नेक्स्ट वर्ड हमारा है अम्ब्रेज. अम्ब्रेज मीन्स ए फीलिंग ऑफ एंगर, ए फीलिंग ऑफ एंगर कॉज्ड ऑफ बीइंग ऑफेंडेड. मतलब किसी से गुस्सा हो जाना या किसी से नाराज हो जाना क्योंकि क्योंकि उसने आपके बारे में कुछ गलत कहा हो या ऐसा कुछ कहा हो जो आपके बारे में वो सही नहीं है, तो उसे कहते हैं एम्ब्रेज. जैसे इसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे सपोज आप लोगों की बहुत हेल्प करते हो, आप लोगों की दिल से बहुत हेल्प करते हो, लोगों की चैरिटी करते हो, आप बहुत डोनेशन देते हो, जिसकी मदद हो चाहिए आप उसकी मदद करते हो और आपको किसी ने कह दिया कि आप ये सब बस पब्लिसिटी के लिए करते हो, आप ये सब बस पब्लिसिटी नेम फेम के लिए करते हो, तो ये बात आपको अम्ब्रेज कर देगा. मतलब आपको ये थोड़ा गुस्सा कर देगा, नाराज कर देगा ना, क्योंकि ये बात तो आपके लिए सही नहीं है क्योंकि आप तो ऐसा करते नहीं हो, आप तो रियली में लोगों की चैटिंग करते हो, लोगों को मतलब रियली में हेल्प करना चाहते हो इसीलिए आप करते हो, लेकिन आपको किसी ने कह दिया कि आप ये सब पॉपुलरिटी करते हो, तो इसे इस बात से जो आप गुस्सा होगे, नाराज होंगे, तो इसे आप कहोगे अम्ब्रेज. सो अम्ब्रेज मीन्स ए फीलिंग ऑफ बीइंग ऑफेंडेड बाय व्हाट समवन हैज सेड और डन. हिंदी में कहेंगे नाराज या नाराजी. एंड इसे अम्ब्रेज को याद रखने आप इसको कन्वर्ट रेज से. अम्ब्रेज, रेज, रेज मतलब पता है ना गुस्सा, क्रोध हो जाना, तो ऐसा कुछ बात जो किसी ने कुछ गलत कहा हो एंड उससे आप जब गुस्सा हो जाओगे तो वो होगा एम्ब्रेज. तो रेज एम्ब्रेज. जैसे ये देखो गुस्सा हो गई है, तुमने ऐसा कैसे कह दिया मेरे बारे में इस टाइप से. फॉर एग्जाम्पल ही टेक्स एम्ब्रेज अगेंस्ट एनीवन हु क्रिटिसाइजेस हिम. मतलब वो गुस्सा हो जाता है, नाराज हो जाता है जब उसके बारे में क्रिटिसाइज करता है. तो नेक्स्ट इज टू टेक एम्ब्रेज टू समवन रूडनेस. एंड इसके रिलेटेड सिनोनिम्स है एंगर, एनोयंस, आयर, ग्रज, रेज, पिकेक. एंड इसके एंटोनिम्स हैं कंफर्ट, कामनेस, फेवर, डिलाइट, पीस. नेक्स्ट वर्ड हमारा है मैस्टिकेट. नेक्स्ट वर्ड इज मैस्टिकेट. मैस्टिकेट मीन्स टू चू, CHEW, टू चू योर फूड और बाइट एंड ग्राइंड स्टफ विथ योर माउथ. मतलब इन शॉर्ट कहूँ तो चबाना, जो आप चबाते हो ना, जब आप खाना खाते हो तो आप डायरेक्टली तो खाते नहीं हो, आप उसे पहले चबाते हो, अच्छे से जब चबाते हो तो वो जो चबाना होता है ना, तो उसे ही कहते हैं मैस्टिकेट. जैसे स्पीक में लो, ये जो गाय है ये जब घास खा रही है तो ये घास डायरेक्टली तो खाएगी नहीं, ये पहले घास को तोड़ेगी, अपने मुँह में लेगी एंड ये जो चबाएगी अपने मुँह से, तो इसे कहते हैं जो चबाना कहते हैं मैस्टिकेट. सो मैस्टिकेट मीन्स टू चू फूड.
number can say to bite or grind with the teeth in the mouth chabana and masticate ko yaad rakhne aap isko correlate 8 se masticate mein hai na ad 8 to isko correlate 8 se 8 hota na jaise jo eat hota hai eat ka past form hota hai 8 8 ko aap hindi mein keh sakte ho khaya ke eat hota hai khana and 8 hota hai uska past form to 8 to 8 matlab jo khaya hoga to wo directly to khaya nahi hoga pehle use acche se chabaya hoga uske baad na khaya hoga to wo jo chabayenge to hoga masticate masticate 8 okay past form of 8 8 when you have masticate matlab chabana for example the cows were masticating the grass jaise speak likh lo for example next hai her mouth was working as if she was masticating some tasty tidbit and iske related words hai masticable and mastication as a noun jab use karenge to and masticate ke synonyms hai crunch grind chewy bite next word hamara hai lugubrious next word is lugubrious lugubrious means anything that make you sad anything that make you sad gloomy or mournful matlab aisa kuch jo aapko udaas kar de aisa kuch jo aapko udaas kar de aapko sad kar de to use hi kehte hain lugubrious jaise suppose aapka koi near and dear koi aapko chhod kar chala jata hai to aap uske liye jo lugubrious feel karte ho matlab aap jo us time uske liye sad feel karte ho udaas feel karte ho to use aap keh sakte ho lugubrious या जैसे सपोज आपने कोई आपके कोई नियर एंड डियर से रिलेटेड कोई बैड न्यूज़ सुना हो तो आप उस टाइम पे उसके लिए सैड फील करोगे उदास फील करोगे तो उसे आप कहोगे लुगुब्रियस जैसे पिक में लो ये जो क्यूट पिक है देख देख रहे हो ना ये इसके आंख से आंसू आ रही है तो ये सैड फील कर रही है उदास भी है तो इसे आप कहेंगे लुगुब्रियस सो लुगुब्रियस मीन्स फुल ऑफ सैडनेस और सॉरो और यू कैन से लुकिंग एंड साउंडिंग सैड एंड डिसमल हिंदी में कहेंगे शोकाकुल या उदास एंड लुगुब्रियस को याद रखने के लिए आप इसको कोरिलेट सलुब्रियस से लुगुब्रियस सलुब्रियस देखो यहाँ यू पी आर एस मिल रहा बस एस एल कर दें यहाँ यहाँ हो जाएगा तो ये हो जाएगा सलुब्रियस एंड सलुब्रियस वर्ड मैंने डिस्कस किया है ना याद है कि नहीं अगर नहीं याद है तो गाइस नो प्रॉब्लम देखो आपको ऊपर में यहाँ पे लेफ्ट में आपको आई का एक आइकन मिल रहा होगा यहाँ लिखा मिलेगा मीनिंग ऑफ सलुब्रियस तो आप इस पर क्लिक करना एंड जिस वीडियो में मैंने ये वर्ड डिस्कस किया है सलुब्रियस आप वहाँ पे जाके इस वर्ड को डायरेक्टली अच्छे से ट्रिक के साथ याद रख सकते हो ओके अच्छा यहाँ मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ सलुब्रियस मतलब होता है ऐसा कुछ जो आपके लिए अच्छा हो आपके हेल्थ के लिए अच्छा हो आपके बॉडी के लिए अच्छा हो आपके माइंड के लिए अच्छा हो तो उसे कहते हैं सलुब्रियस मतलब ऐसा कुछ भी जैसे कोई सलुब्रियस फूड मतलब कोई सलुब्रियस फूड है तो मतलब वो फूड आपके हेल्थ के लिए आपके बॉडी के लिए आपके माइंड के लिए अच्छा है तो उसे आप कहोगे सलुब्रियस फूड या कोई सलुब्रियस क्लाइमेट या सलुब्रियस प्लेस जैसे कोई प्लेस है सलुब्रियस प्लेस है जैसे होता है ना कोई हिल स्टेशन है तो जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना आपको हिल स्टेशन में चलना मतलब क्यों क्योंकि वो आपके बॉडी के लिए हेल्थ के लिए माइंड के लिए अच्छा होता है तो उसे कहते हैं सलुब्रियस ये से मैंने शायद रिलेट किया था सलमान खान से ओके छोड़ो तो सलुब्रियस हो गया तो इसको मैंने किया लुगुब्रियस को सलुब्रियस से तो यहाँ देखो इसको याद करके इसको ये है ना एल यू जी लुक तो इसको मैंने किया लोग तो बोलते हैं ना हिंदी में बोलते हैं ना पीपल्स को लोग तो पीपल इन लुगुब्रियस मूड बिकॉज ऑफ कैंसलेशन ऑफ हॉलीडे तो ये सलुब्रियस प्लेस जो लोग हैं वो उदास हो गए क्यों हो गए क्योंकि सलुब्रियस प्लेस में मतलब कोई हिल स्टेशन जाने का कोई प्लान था वो कैंसिल हो गया तो सलुब्रियस प्लेस जाने के लिए जो प्रोग्राम कैंसिल हो गया हॉलीडे कैंसिल हो गया तो उस लोग लुगुब्रियस फील कर रहे हैं मतलब उदास फील कर रहे हैं सैड फील कर रहे हैं तो वो हो गया लुगुब्रियस फॉर एग्जाम्पल ए लुगुब्रियस फेस एंड इसके रिलेटेड वर्ड है लुगुब्रियसली जब इसे ऐसे एडवर्ब यूज करेंगे तो एंड लुगुब्रियसनेस जब इसे ऐसे नाउन यूज करेंगे एंड लुगुब्रियस के सिनोनिम्स होंगे मॉर्नफुल ग्लूमी पेंसिव सैड सॉरोफुल डिसमल एंड इसके एंटोनिम्स होंगे चीयरफुल जॉय फेस्टिव नेक्स्ट वर्ड हमारा है मैंडिकेंट नेक्स्ट वर्ड इज मैंडिकेंट मैंडिकेंट मीन्स ए पर्सन हु लिव्स बाय बेगिंग ए पर्सन हु लिव्स बाय बेगिंग मतलब एक ऐसा पर्सन या कोई ग्रुप ऑफ पर्सन जो बस भीख मांगकर अपनी रोजी रोटी चलाता हो या जो अपनी जिंदगी चलाता हो बस भीख मांगकर अपनी जिंदगी चलाता हो तो उसे आप कहेंगे मैंडिकेंट एक्चुअली मैंडिकेंट वहाँ यूज होता है ना जहाँ बहुत एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात हो रही हो जहाँ बहुत एक्सट्रीम पॉवर्टी होता है ना वहाँ यूज होता है मैंडिकेंट सो मैंडिकेंट मैंडिकेंट मीन्स someone who lives
lives by asking people for money or food. हिंदी में कहेंगे beggar in short, and mendicant को हिंदी में कहेंगे भिखारी या भीख मांगने वाला, जैसे स्पीक में देख लो. एंड इसे याद रखने के लिए आप इसको करो डेट मैन प्लस, ये थोड़ा ट्रिकी है बट ट्रिक है तो ट्रिक ही तो होगा ही ना, तो इसको याद रखना थोड़ा ट्रिकी है. अच्छा चलो यहाँ याद देख ही लो. देखो इसको मैंने तीन पार्ट बांट लिया, थ्री पार्ट में. मैन प्लस डी प्लस कैंट को, मैन प्लस डी प्लस कैंट को क्या मैंने चैंट, चैंट मतलब आपको पता है ना, जैसे किसी वर्ड को हम बार बार दोहराते हैं, जैसे कोई मंत्र को हम लोग बार बार बोलते हैं ना, तो उसे बोलते हैं चैंट या चैंट, मतलब किसी को बार बार दोहराना. उसको क्या मैन प्लस डी प्लस चैंट. तो सपोज ये जो मैन है ये चैंट कर रहा, मतलब चैंट कर रहा मतलब होता है ना, ये लोग जो भीख मांगते होता है ना, तो ये तो दे दो, मतलब कुछ आपसे मांगते हैं तो ये बार बार दोहराते हैं. तो मैन प्लस डी हो गया मैंने दो, ये जो दो दो करते हैं मांगते हैं कुछ, तो मैन प्लस डी प्लस चॉट हो गया. तो मैन चैंटिंग दे दो अम्मा दे दो या कुछ भी जो भीख मांगते रहते हैं, तो इस टाइप से. तो मैन जो कर रहे हैं चैंट कर रहे हैं वो कुछ मांग रहे हैं, तो वो होगा मेंडिकेंट. तो जैसे ये है ये पकेट ये पिक है, तो इन्हें आप कहोगे मेंडिकेंट. फॉर एग्जाम्पल द मेंडिकेंट होप्ड पेडेस्ट्रियन, देखो यहाँ पेडेस्ट्रियन होप्ड ड्रॉप मनी इन हिज पॉकेट, मतलब ये मेंडिकेंट होप कर रहा है कि ये जो पेडेस्ट्रियन होते हैं, पेडेस्ट्रियन मतलब मैंने डिस्कस किया, पेडेस्ट्रियन मतलब होता है जो, देखो ये जो पर्सन है ये मेंडिकेंट, ये फुटपाथ में ओके, तो ये वो फुटपाथ में, तो यहाँ तो पब्लिक तो आना जाना करेंगे ना, तो जो पब्लिक ये जो आते जाते हैं, जो पैदल आते जाते हैं, तो जो पैदल आते जाते हैं ना, तो इन्हें कहते हैं पेडेस्ट्रियन, मतलब जो फुटपाथ में इधर उधर आते हैं, जो पर्सन आते जाते रहते हैं, तो इन्हें कहते हैं पेडेस्ट्रियन. तो ये मेडिकेंट होप कर रहा है कि जो पेडेस्ट्रियन आएंगे तो उनके बकेट में कुछ ना कुछ पैसे ड्रॉप करके जाएंगे. एंड इसके सिनोनिम्स होंगे बेगर, पैनहैंडल, मॉन्क, पॉपर, वैगाबॉन्ड. नेक्स्ट वर्ड हमारा है मॉल. नेक्स्ट वर्ड इज मॉल. मॉल मीन्स बिटिंग, बिटिंग एंड स्क्रैचिंग, बिटिंग एंड स्क्रैचिंग, और यू कैन से एब्यूज फिजिकली, मतलब किसी को पीटना या खरोचना या किसी की स्किन को कट कर देना या उसे आप बोल सकते हो फाड़ देना, उसे कहते हैं मॉल. जैसे जैसे होता है ना, जैसे कोई लायन टाइगर या कोई भी जानवर जब किसी पर्सन पे हमला करता है या किसी जानवर पे हमला करता है, तो वो अपने पाँव से अपने सांप दिल से लोगों पे जब हमला करता है, तो वो उनको मतलब उनको जख्मी करके उनको खरोच देता है, खरोच देता है, उनके स्किन को फाड़ देता है. जैसे ये देखो पिक में, देखो ये थोड़ा पिक है ना, तो ये देखो इसका मतलब ये उसका एक पर्सन है, इसको स्किन को देख रहे हो ब्लड आ गया ना, तो ये किसी की स्किन को फाड़ देता है, चीड़ फाड़ कर देता है, काट देता है, तो इसे आप कह सकते हो मॉल. सो मॉल मीन्स टू अटैक, यस अटैक करना, टू अटैक एंड इंजर समवन इन ए वे दैट कर्ट्स और टियर स्किन, हिंदी में कहेंगे घायल करना. अब अटैक कर रहा तो घायल ही होगा ना. एंड मॉल को याद रखने के लिए आप इसको करो रेट ये वाला मॉल से. देखो ये तो एक्शन हो, ये कुछ ये अटैक कर रहा, तो ये एज अ वर्ब हुआ, जो मैंने ये वर्ड आपको बताया ये हुआ एज अ वर्ब. बट जब इसे एज ए नाउन यूज करते हैं ना, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसे कहते हैं मॉल. देखो मॉल इज ए नेम ऑफ द हेवी हैमर, ये जो हैमर है इस हैमर से भी हम किसी को काटने के लिए या फाड़ने के लिए यूज करते हैं ना, ये जो ऑब्जेक्ट है इसे कहते हैं मॉल. एंड जब से एज अ वर्ब यूज करेंगे, तो उसका मतलब किसी पे अटैक करके उसे खरोचना, चीड़ फाड़ करना, तो उसे कहते हैं मॉल. फॉर एग्जाम्पल ए मैन वॉज मॉल्ड बाई ए टाइगर एट लायन जू, एट सॉरी लंदन जू. नेक्स्ट इज ए स्मॉल बॉय वॉज मॉल्ड बाई द नेबर डॉग, ये सब आपने किसी न्यूज में सुना होगा. एंड इसके सिनोनिम्स होंगे बीट अप, बल्जन, बल्जन, मॉलेस्ट, लेसरेट, थ्रैश, हर्ट. एंड इसके एंटोनिम्स होंगे प्रोटेक्ट, हेल्प, गार्ड. सो गाइस हमने लास्ट वर्ड हमारा है मॉडलिन. नेक्स्ट वर्ड इज मॉडलिन. मॉडलिन मीन समवन, समवन दैट ब्रिंग समवंस, नहीं सॉरी समथिंग, समथिंग दैट ब्रिंग्स टियर इन योर आईज, समथिंग दैट ब्रिंग टियर इन योर आईज एंड मेक यू फील इमोशनल, मतलब ऐसा कुछ जो आपकी आंखों में आंसू ले आए, ऐसा कुछ जो आपकी आंखों में आंसू ले आए या आपको इमोशनल कर दे, तो उसे ही कहते हैं मॉडलिन. जैसे इस पिक में देख लो अजीब रो रहा है ना, जैसे ये देखो इसके आंखों में आंसू आ रही है और ये रो रहा है, इमोशनल हो गया है, तो इसे कहेंगे मॉडलिन. सो मॉडलिन मीन्स फीलिंग सैड एंड सॉरी फॉर योरसेल्फ, और यू कैन से इवोल्यूसिवली सैड एंड फुल ऑफ सेल्फ पिटी. फुल ऑफ सेल्फ पिटी दैट मीन्स अपने आप में दया आ रही हो उस टाइप से. एंड इसे हिंदी में कहेंगे अत्यधिक भावुक, जैसे ये देखो कितना भावुक हो गया है बेचारा. फॉर एग्जाम्पल ही बिकेम मॉडलिन एंड स्टार्टेड क्राइंग लाइक ए चाइल्ड, देखो यही है
ये बिकम मॉडर्न एंड स्टार्टेड लाइक ये देखो बच्चों की तरह रो रहा है ना. नेक्स्ट इज ए मॉडर्न लव स्टोरी. जैसे कोई लव स्टोरी जैसे होता है ना, आपने देखा बिल्कुल देख के आपको रोना आ रहा हो तो उस टाइप से, क्योंकि बहुत इमोशनल मूवी है. एंड नेक्स्ट इज मॉडर्न पोएट्री. एंड इसके सिनोनिम्स है बीबी सेंटीमेंटल मोरोस एंड इसके एंटोनिम्स है अनसेंटीमेंटल. सो गाइस हमने 7 वर्ड डिस्कस कर लिए, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट वर्ड तुम्हारा वैग्रेंट. वैग्रेंट मतलब ऐसा पर्सन जो मतलब जिसका जिसका कोई घर बार ना हो, जिसको ठिकाना ना हो और वो पर्सन यहाँ वहाँ बस घूमता फिरता रहता हो, उसे आप कहोगे वैग्रेंट. नेक्स्ट वर्ड तुम्हारा अम्ब्रेज. अम्ब्रेज मतलब जो ऐसा कुछ आपको किसी ने कुछ कहा हो एंड उससे आप नाराज हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो, क्योंकि उसने जो कहा है वो आपसे वो आपके लिए गलत है, मतलब वो आपके बारे में कोई गलत बोलता है तो उसे कहते हैं अम्ब्रेज. नेक्स्ट वर्ड हमारा मैस्टिकेट. मैस्टिकेट मतलब इन शॉर्ट चबाना, जो आप खाते हो तो जो आप चबाते हो ना तो उसे कहते हैं मैस्टिकेट. नेक्स्ट वर्ड था लुगुब्रियस. मतलब ऐसा कुछ जो आपको सैड कर दे, आपको उदास कर दे, जैसे कुछ हो गया या आप कुछ बैड न्यूज सुनते हो किसी अपने नियर एंड डियर से रिलेटेड तो आप सैड हो जाते हो, उदास हो जाते हो, तो उसे आप कहोगे लुगुब्रियस. नेक्स्ट वर्ड था हमारा मैंडिकेंट. मैंडिकेंट मतलब ऐसा कोई पर्सन जो बस भीख मांग के अपना गुजारा चलाता हो, अपना जिंदगी चलाता हो, तो उसे आप कहेंगे मैंडिकेंट. नेक्स्ट वर्ड हमारा मॉल. मॉल मतलब किसी को पीटना या किसी को खरोचना या किसी पर हमला करना, जैसे ये देखो हमला कर रहा है, इसे मतलब स्किन चीट फाड़ कट कर रहा है, तो इसे कहेंगे आप मॉल. नेक्स्ट वर्ड मॉडलिंग. मॉडलिंग मतलब ऐसा कुछ जो आपको बहुत भावुक कर दे, ऐसा कोई आपको बहुत इमोशनल कर दे, जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं एंड वो मूवी ऐसा कुछ है जो आपको बहुत इमोशनल कर दे, आपके आंसू आपके आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो उसे आप कहोगे मॉडलिंग. सो गाइस हमने 7 वर्ड डिस्कस के लिए, एक बार हम लोग रिवाइज के लिए एक बार आप वीडियो पॉज करके एक बार इसे आप भी रिवाइज करोगे. देखो ये सारे वर्ड जो मैंने आज रिवाइज मतलब डिस्कस किए हैं, तो आइए एक बार आप इसे भी रिवाइज करो. एंड गाइस ये जो मैंने प्रीवियस वोकैबुलरी वीडियो में डिस्कस किए एक बार आप इसे भी रिवाइज कर लो. ओके एंड गाइस आज के लिए पटाख से आपको बताना है कि इन सब का मीनिंग क्या है. मैंने ये सब वर्ड्स प्रीवियस अपने किसी वोकैबुलरी वीडियो में डिस्कस किए, अगर आपको इन सब का मीनिंग पता है तब तो बहुत बढ़िया, और नहीं पता तो गाइस नो प्रॉब्लम, आप देखो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाना एंड जिस वीडियो में मैंने ये वर्ड डिस्कस किए हैं आप उस वीडियो पर जाके इन सबको वर्ड्स एक बार रिवाइज कर सकते हो. होप आपको इनका मीनिंग क्लियर हो जाएगा एंड अच्छे से ट्रिक के साथ आपको याद भी हो जाएगा. इन सारे वर्ड्स आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी. ओके सो गाइस दैट्स इट फॉर नाउ. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गाइस बाय बाय. टेक केयर.